top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class business schools. Big Tech, excellence with values. गाड़ियां ले ली हैं इनकी दम पर, उनको पूछ लो क्या हाल हो रहा है उनका। कुछ दिनों में ही वो आत्महत्या करने लगेंगे, कर भी चुके हो तो शायद हमें जानकारी नहीं, हमारे साथियों को होगी। केजरीवाल जी, रामलीला मैदान में इन्हीं महारथियों ने तुम्हें देश का नेता बनाने। मुझे 18 साल से ज्यादा हो गए हैं दिल्ली के ऑटो रिक्शा चालकों को देखते हुए, ऑटो सेवा का अनुभव करते हुए, और ऑटो वालों की क्या समस्याएं हैं उनका सबसे पहले मुझे लगभग अंदाजा 18 साल पहले हुआ था, 1997 में, 19 साल हो गए। और पिछले 14 सालों से मैं आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूं न्याय भूमि के माध्यम से, और समझने की लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आपकी क्या समस्याएं हैं और क्यों हैं। मैंने ये देखा कि 14 सालों में या इन 19 सालों में दिल्ली बहुत बदल गई है। रेडियो टैक्सी आ गई, बड़े बड़े मॉल आ गए, मेट्रो आई, लो फ्लोर बसें आई, मोबाइल आ गया, स्मार्टफोन आए, इंटरनेट आया, जीपीएस लग गए गाड़ियों में, दुनिया बदल गई, दिल्ली बदल गई। लेकिन ऑटो वाले आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। अपनी नजरों के सामने मैंने किसी ऑटो वाले को लखपति बनते हुए नहीं देखा, अपनी नजरों के सामने मैंने किसी ऑटो वाले को मालिक से चालक बनते हुए तो बहुतों को देखा है जब सीएनजी लगाने की बात हुई थी 2001-2002 वगैरह में। लेकिन कोई किराए का ऑटो चला रहा हो और वो मालिक बन गया हो और उसकी सारी किश्तें चुका दी गई हो, यानी उसकी गाड़ी फ्री हो गई हो, एक दो मामलों को छोड़ करके मैंने नहीं देखा। तो ये हालात हैं आज, ये हालात बदलने के लिए आप लोगों ने बड़ी उम्मीद से आज से 3 साल पहले एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन किया था, ये सोचकर कि व्यवस्था बदलेगी, आपकी भी किस्मत बदलेगी, और शायद आज आप ये महसूस करते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ। उसी बात को लेकर के आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो हुआ बात केवल ओला उबर की, आज मुख्य तौर पर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन समस्याएं ओला उबर की समस्या नहीं थी 2013 में जब आपने साथ दिया, समस्याएं कुछ और थी, आज भी हैं, मांगे थी और मांगे आपकी पूरी नहीं हुई। तो आज हम यहाँ भाषण सुनने सुनाने की बजाय किसी काम को करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक फैसला करने के लिए हम यह इकट्ठा हुए हैं कि कैसे हम अपनी आमदनी को दोगुना करें बिना सवारियों की जेब से फालतू पैसा निकले। आपकी आमदनी दोगुनी हो जाए या उनकी जेब से निकले तो उसके बदले में उनको एक बेहतर सेवा मिले, इसके लिए हमने 3 सूत्री फॉर्मूले को इस्तेमाल किया।